कल अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस था, कुछ सुविधा आपको उस तरह का मिल रहा है? नहीं, कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक यहाँ पे यही प्रखंड का एक निवासी है, विकलांग है, वो कह रहे हैं कि अभी लंबे समय से उनका आवास नहीं निर्गत हो पाया है, कोई कारण है, कुछ जानकारी है? हम लोग को कटकमदा का जनप्रतिनिधित्व करते हुए अभी 18 महीना हुआ है और हम लोग जब से बने हैं अभी तक हम लोग को सरकार आवास नहीं दी है। अच्छा। जिसके चलते इनको आवास नहीं मिला है। फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सबुआ आवास जो आया है इसमें फर्स्ट में इनका नाम रहेगा। नमस्कार, मैं दुर्गेश और आप देख रहे हैं द फॉलो अप। अभी मैं हजारीबाग के ही कटकमदाग प्रखंड में मैं आया हुआ हूँ। यहाँ पे आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है, अनेक तरह की यहाँ योजनाएं हैं जिससे लोग वंचित पड़े थे वो अपना यहाँ आवेदन आके दे रहे हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे प्रखंड के, अंचल के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं वो यहाँ उपस्थित हैं और लोगों के लिए एक वन स्टॉप सेंटर जो कहा जा सकता है वो यहाँ पे उन लोगों का सॉल्यूशन हो रहा है और उन लोगों का निराकरण हो रहा है। तो आइए जानते हैं और देखते हैं कि किस तरह का आवेदन यहाँ पड़ रहा है और कैसी समस्या है। कैसे है आपका? मेरा भी बहुत समस्या खराब है, विकलांग है मेरा पैर से, विकलांग पूरा, कोई सुनापन मेरा पैर, दोनों पैर। अच्छा, तो आप किस तरह का आवेदन दे रहे हैं और क्या आपकी मांग है? मेरा इंदिरावास मांग, बहुत दिन से दौड़ते दौड़ते थक गया, अभी तक नहीं मिला है। कितने दिन से दौड़ रहे हैं? मेरा 10-15 साल से दौड़ रहे हैं। 10-15 साल से दौड़ रहे हैं और आपका इंदिरावास नहीं आया है, क्या कारण बताया जा रहा है ब्लॉक या प्रखंड से? पता नहीं का कारण से नहीं दे रहे से हम लोग को। महावीर प्रजापति। कल अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस था तो क्या आपके लिए कुछ किया गया, कल आपसे कोई संपर्क किया कि या तो कुछ सुविधा आपको उस तरह का मिल रहा है? नहीं, कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है। किस तरह का ये आयोजन जो हो रहा है, कैसा आवेदन आ रहा है और कितना लोगों को हेल्प हो पा रहा है? मैडम, यहाँ पे आवेदन तो सभी संबंधित विभाग जितने हैं सभी में आ रही है और सभी को, जितने जरूरतमंदों को है वो सभी को लाभ मिल रही है इसकी, और जितने भी लोग आ रहे हैं सभी से एकदम शांतिपूर्ण तरीका से यहाँ पे काम हो रही है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो रही। अच्छा, एक यहाँ पे यही प्रखंड का एक निवासी है, विकलांग है, वो कह रहे हैं कि अभी लंबे समय से उनका आवास नहीं निर्गत हो पाया है, कोई कारण है, कुछ जानकारी है उसके बारे में? अब उसके बारे में तो पता नहीं है कौन है, अब उनसे पता करने के बाद ही पता चलेगा कि क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण से नहीं मिल रहा है। मुखिया जी, आपके पंचायत में ये आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है, कितना मतलब आवेदन आने का मतलब चांस है और किस तरह से लोगों का मदद होगा? देखिए, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो हर साल की भांति इस वर्ष भी कटकमदाग पंचायत सचिवालय प्रांगण में लगाया गया है। कुछ ऐसा है कि बहुत विभाग आज यहाँ नहीं आए हैं, बिजली विभाग अभी तक नहीं आए हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का काम नहीं हो रहा है। अच्छा। उसके बाद है कि एगो अबुआ आवास का फॉर्म अभी तक लगभग हमारे पास 200 लगभग आ चुका है, और स्वास्थ्य विभाग का कुछ काम हो रहा है, कुछ आपका पशुपालन विभाग का काम हो रहा है, उसके बाद लगभग काम मैंने ज़मीन पर नहीं उतर रहा है। अच्छा, आप थोड़ा मेरे साथ आइए। ये हमारे आपके पास, आपके पंचायत में एक दिव्यांग है, इनका परेशानी है कि इनको अभी तक आवास वगैरह नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत है? देखिए, आवास नहीं मिला है, हम लोग को कटकमदाग का जनप्रतिनिधित्व करते हुए अभी 18 महीना हुआ है और हम लोग जब से बने हैं अभी तक हम लोग को सरकार आवास नहीं दी है। अच्छा। जिसके चलते इनको आवास नहीं मिला है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सबुआ आवास जो आया है इसमें फर्स्ट में इनका नाम रहेगा, इनका काम हम लोग समझ गए ना, आपका आवास रहेगा। मुखिया जी बोल रहे हैं आपका फर्स्ट में रहेगा। जी सर, है ना? जी सर। कोई शिकायत है मुखिया जी से आप? कोई शिकायत नहीं। योजना आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम जो चल रहा है, एक कहीं ना कहीं एक वन स्टॉप सेंटर का है, यहाँ से लगभग लोगों का एक समाधान किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जनउपयोगी योजना है। बहुत लोग जो है, लोग ब्लॉक में नहीं आ पाते हैं विभिन्न कारणों से, तो ब्लॉक प्रखंड प्रशासन जनता के बीच आई है, उनकी जो भी शिकायतें हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए बहुत ही जनउपयोगी योजना है। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in